पहली बार होटल में रूम लिया। तो आज तैयार हो गए, अब जा रहे हैं हरिद्वार, 3-4 दिन के लिए मजे आएंगे, मस्ती करेंगे वहां पे। तो कल अब अनी के घर से आरती वारती करा के अब जा रहे हैं मेरे घर पे, बैग उठा के फिर निकल जाएंगे मेरे, क्योंकि मेरे पास बैग ना है ना। ठीक है, जा तो गाइस सब सामान हमने पैक कर लिया, सब लोग रेडी हैं, अब बस बस में चढ़ना है और वहां पहुंचना है। भारत माता की जय। अरे कैसे भूल रहे, बोले बाबा की जय। चल रहे हैं, आधा घंटा रह हुआ मिल जाएगी बस। तो गाइस बस मिल गई है हमें और जीरी बस, और यहाँ पे पहले सीट गिर लें हेल पर उठ के। तो गाइस अब सब लोगों को सीट मिल गई है, अनिकेत भाई, आशीष भाई और ये भानु दंगल बंगल सब रे जाने बैठे हैं ना, और यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठेंगे। तो हम सब लोग आगे बैठे हैं, पीछे की सीट ना मिली। ये टिकट के पैसे जा रहे हैं आपको लड़ा दूं मैं। टिकट आ गई है हमारे पास 8 और बस स्टार्ट हो गई है अभी। अभी बस रुकी है एक ढाबे पे स्टॉप, तो डिलीवरी का खाना पीना मांगे, तो चलो मैं नीचे चलने चला। चलो चलो एक प्लेट 30 रुपए की है, छोले भटूरे खाओ, एक प्लेट 30 रुपए की है, मगर खाएंगे ना कोई भी। बाकी पूछने हो यहाँ 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं भाई, 10 रुपए की एक रोटी भैया, 2-2.5 घंटा का रास्ता है, अब वहीं से लेंगे हम रोटी, खाइए भूख लग रही है, कचौड़ी पुलाव खा सकते हैं। घर से खा खा के आए यार, भूख न लग रही। चलो तो गाइस अभी ना हम इन्हें भी बता दें कि जी भूखे नंगे से आ गए घर से, ना ही इन्हें भूख लग रही है, अभी से तेरे लग रही है भूख जी आ रहे हैं, भूख लग रही है यार। भाई तुम घर से खा के नहीं आए थे क्या? खा के आया हूँ, लेकिन सफर करते करते मुझे बहुत भूख लग रही है इस समय, खाने को यहाँ कुछ खाने में भूख जी सामान देखिए सब खाने को ही लगा हुआ है ऐसा बात। दंगल भाई गुटखा पान सिगरेट कुछ बीड़ी सिगरेट, अबे बीड़ी सिगरेट भाई ना हम तो आज अब खाने पीने का सामान यहाँ पे कचौड़ी वचौड़ी खा रहे हैं। ये भैया बताओ क्या बना रहे हैं, भैया भैया लाए आ रहे हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं। चलो तो गाइस हमने कचौड़ी वचौड़ी खा ली है और अब सब लोग दोबारा से बस में बैठने जा रहे हैं, बस स्टार्ट होने वाली है। जवाब दिया कि हम समझ गए कि जब चीटा मरने के लिए आता है तब उसके पंख निकल आते हैं, हमारे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। तब तक दोस्तों यह मार बिटाई नहीं जा रहे। तो गाइस चेकिंग हो रही है, किसी ने 8 साल का बच्चे को 4 साल का बना दिया, पता नहीं लंबे भागे थे। तो भाई हिसाब से वो कह रहे हैं 8 साल का नहीं है 4 साल का, तो अभी लड़ाई सी। रात 1 बज रहा है अभी।
तो हमारे बस स्टार्ट हो गई है और वो बच्चों वाली बात फाइनल हो गई है, तो बस चल रही है हमारी। टिकट लगी फाइनल हो गई है, बस तो चल गई है, मैं तो बस चल रही था, मतलब है जब हमारा लू जाना हो चलाओ। तो आज यहाँ पे दूसरे स्टॉप पे रुकी है बस, तो अभी हम खाना पीना खाने जा रहे हैं। तो आज यहाँ पे 15 रुपए की रोटी, एक रोटी 15 रुपए की, तो अब खानी तो पड़ेगी। ये चिकन लवाब, पनीर लवाब, मेहरबानी। आज अनिकेत भाई ने बनाया हमारे, और ये सोयाबीन की चाप, और ये सोयाबीन की चाप। मक्खने पर भंडे क्या बढ़िया है। तो खाना पीना खा गया, बहुत जल्दी स्टार्ट हुई बस, इतनी जल्दी जल्दी खाना पड़ा यार, जिनने एक दिन में खाना खा लिया। मौत के घाट अगर उतरना है तो सिर्फ ईमान को गमा दीजिए। दोबारा अलीगढ़ पहुंचा दो तो तो गाइस अब हर की पौड़ी जाने के लिए हम ट्री कर रहे हैं, तो जब ट्री में बैठ के हम हर की पौड़ी जा रहे हैं, और वहाँ से लगेंगे फिर होटल में एक रूम, फिर वहाँ पे आराम करेंगे थोड़ी देर, फिर सुबह निकलेंगे कहीं पे घूमने। तो गाइस हमें ट्री मिल गई है, तो ट्री में बैठ गए जा रहे हैं ना, चीज है वो ट्री में बैठे ना। तो गाइस अब हर की पौड़ी पहुँच गए, तो गाइस अब हम ढूंढ रहे हैं होटल, मतलब बैग वगैरह रखेंगे वहाँ पे, तो और की पौड़ी पे आके हम होटल वगैरह ढूंढ लें, वहाँ पे फिर बैग वैग सामान वामान रख के रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, सुबह तो है ही रही है। तो गाइस मेरे को तो डर लग रहा है यार, इतना गहरा पानी है, सो देख के ज्यादा सो सही में यार, ये नहा लोगे तुम जाने ना भैया, नहाना तो पड़ेगा, जाना कौन जाओगे भैया, मर रहा कौन पाले हो यार, डर तो लो रहा है, तो ज्यादा पानी दिख के मिलने तो बहुत डर लग रहा है भैया, तो यहाँ तो घाट घाट का पानी है, बचाओ भी चड्डी भी डूब रही है, नहाएंगे कैसे। तो गाइस होटल कुशगंगा हम सामने, तो मैं तो आ गई टी शर्ट पहन के, पर आप सबने लगे ठंड लग रही है, सर्दी है एक दो ने, तो ब्लैक कमांडो बन के जाएंगे, कैसे करके जाएंगे ठंडे के मारे सुखड़ के, सागर देखो सागर भाई, ये सागर भाई के चल रहे मुर्गी सीधा आके। तो गाइस होटल के रेट ले रहे हैं यहाँ से, तो होटल तो मिल लेना, कोई फुल है कोई चार्ज ज्यादा बता रहा है, ज्यादातर तो फुल ही है क्योंकि यहाँ के पास ही है ना, तो देख रहे हैं पहले रूम मिल जाएगा, तो यार सामान वामान रखते हैं थोड़ी देर आराम कर लें जब कहीं घूमेंगे। तो गाइस अभी हम होटल में बात करने आए रूम की, तो गाइस वहाँ से भी बने हो गई, और जब सब पूछ ही रहे हैं होटल में, हम 2000 रुपये मांग रहे हो तीसरी मंजिल पे। तो गाइस एक होटल मिल गया हमें, तो अभी हम भाई में जा रहे हैं दंगल भाई टूरिस्टर, बेहद लड़का कितनी मंजिल है। तो ये रूम, तो गाइस ये है रूम,
तो गाइस रूम हो गया फाइनल और सबने अपना सामान सेट कर रख दिया यहाँ पे। जूता जूतन की जगह भी लगी है हमारे ऐसे ही पड़े हैं। रूम ले लिया जिंदगी में पहली बार होटल में रूम लिया हमने 220 तो फिर आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। रात ही रात के टूर देखा होगा, अभी हमने होटल का रूम ले लिया अभी, तो अभी स्टार्ट करेंगे दोबारा क्योंकि हम आने आने जाएंगे ना अभी। तो फिर आज का ब्लॉग करते हैं एंड, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जब तक पहली बार होटल में रूम लिया हमने, क्या होल्डर बीत गए।